हेलो शाहीन क्लब। वसीम भाई, अखा सिद्धू भाई, नया साल मुबारक हो। अर्ज किया है यानी कि आप वहां से भी बैठकर अरज कर रहे हैं सिद्धू भाई? जी। और क्या, सन 78 गुजर गया सिद्धू, लोग बनते रहे मियां मिट्ठू, वाह 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 वाह। कोई हाकिम बना तो कोई रईस, हम रहे वो निकटू के निकटू। सिद्धू भाई, ये निकटू क्या चीज है? तसल्लुक है, तसल्लुक वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो अभी तुमने शाहीन क्लब का एक पुराना टेप सुना, मगर खुद शाहीन क्लब प्रोग्राम इस टेप से भी बहुत पुराना है। और ये तो तुम जान ही गए होगे कि आज शाहीन क्लब का 1000वां प्रोग्राम है। यानी बूढ़ा हो गया आपकी तरह। आज हम तुम्हें कुछ मजे मजे की चीजें सुनवाएंगे, कुछ पुराने प्रोग्रामों के टेप, कुछ सलीमा बाजी की बातें जिन्होंने पहले पहल इस नाम से ये प्रोग्राम पेश किया था और एक शाहीन के साथ अपनी तस्वीर उतरवाने का कारनामा अंजाम दिया था। इसके अलावा आज शाहीन क्लब के मुकाबला नंबर 12 का ऐलान होगा, जिसमें हम बहुत से अच्छे अच्छे इनाम तुम्हें देंगे। उसके लिए तुम कागज कलम अभी से तैयार कर लो। आविधि भाई, आज शाहीन क्लब का 1000वां प्रोग्राम है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे यकीन है कि आज हमारे न सिर्फ नए बल्कि पुराने सुनने वाले भी बहुत खुश होंगे, वो जो 1000 हफ्ते पहले शाहीन क्लब सुन चुके होंगे। मेरी तरफ से उन तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो आज अपने प्रोग्राम शाहीन क्लब का 1000वां हफ्ता मना रहे हैं। अरे साहब, आप लोग 1000 हफ्ते की बात कर रहे हैं जी? आपने वो दिन नहीं देखा जब क्रिकेट के मैदान में मेरे 1000 रन पूरे हुए थे? 1000 रन से तो भाई। जी हाँ, मैंने दायां घुटना जमीन पर टेक कर बल्ला घुमाया था, हवा कटने की आवाज हुई थी शाएं, और गेंद नीले आसमानों में उड़ती हुई मैदान से बाहर चली गई थी। बड़ी तालियां बजी होंगी। इतनी तालियां बजी कि 3 दिन तक लोगों की हथेलियों में दर्द रहा और मेरे कानों में। अच्छा 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 सिद्धू भाई, शायद उसी रोज से आप ऊंचा सुनते हैं। जी क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं। मगर सिद्धू भाई, 1000 रन बनाने के लिए तो आपको बहुत दौड़ना पड़ा होगा, टांगे शल हो गई होंगी। आपका ये भाई कभी दौड़ कर रन नहीं बनाता था। मैं बल्ला थाम कर विकटों के सामने जमकर खड़ा हो जाता था। अच्छा। खंबे की तरह। और वहां से आप चौके और छक्के मारते रहते होंगे। जी, बल्कि मेरा मतालबा था कि चौके या छक्के की तरह अट्ठे भी होना चाहिए। वो कब? जब गेंद शहर से बाहर निकल जाए। ओ, ये तो कमाल है, आपने 1000 रन भी बना लिए और दौड़े भी नहीं। मगर अंकल, उस रोज जब मैंने तारीखी छक्का मारा था तो न सिर्फ मैं दौड़ा बल्कि दोनों टीमों के 22 खिलाड़ी, 5 लाख का मजमा और दोनों एम्पायर भी दौड़े। वो कैसे? अरे साहब, उसका भी बहुत दिलचस्प वाकया है। हमें भी सुनाइए। सुनिए, जब मेरे 950 रन हो गए तो सारे शहर को अंदाजा हो गया कि आज 1000 रन पूरे हो जाएंगे जी। अब तो हर जगह धूम मच गई कि आज क्रिकेट की तारीख में बड़ा कारनामा होने वाला है। अजायब घर वालों ने कहीं ये ऐलान कर दिया कि आज के मैच की गेंद 5 लाख रुपए में खरीदेंगे। हाय, 5 लाख? नहीं, खैर 5 लाख तो नहीं। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इस तारीखी गेंद के 1 लाख रुपए देंगे। अच्छा। बस ये ऐलान क्या हुआ समझिए, गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? अरे साहब, शहर की सारी आबादी सुबह से आकर मैदान में बैठ गई। हर एक ने फैसला कर लिया था कि वो मेरी तारीखी गेंद उचक लेगा। अच्छा, फिर? मेरे रन बनते जा रहे थे, सारा मजमा जोर जोर से गिनता जा रहा। 982, 986, 990, 994। क्या हालत होगी। अरे साहब, लोग उठकर खड़े हो गए। किसी ने जूता उतार कर हाथों में ले लिए, किसी ने पतलून के पांचे चढ़ा लिए, लोगों ने धोतियां गुड़स ली और यूं तैयार हो गए जैसे सीटी बजते ही दौड़ पड़ेंगे। और फिर वो तारीखी छक्का लगा होगा। जी हाँ,
और लोगों ने मेरे रन गिने। अच्छा 994 और अगली गेंद पर मैंने छक्का लगाया तो, लोगों ने नारा लगाया होगा 1000। जी नहीं, उन्होंने गेंद आसमान की तरफ जाते हुए देखकर नारा लगाया दौड़ पे दौड़। सैकड़ों का मजमा गेंद की तरफ दौड़ पड़ा। अरे साहब 1,00,000 रुपए की गेंद थी वो। सिद्धू भाई, दौड़ने वालों में सबसे आगे कौन था? जी ये आपका खादिम। आप थे? जी हाँ, गेंद हवा में जा रही थी, सारा मजमा नीचे दौड़ रहा था, सबकी निगाहें गेंद पर जमी थी। आगे आगे मैं था क्रिकेट के सफेद लिबास में, अलबत्ता मेरे आगे एम्पायर जमशेद थे एम्पायर के लिबास में। उनसे भी आगे कोई था? जी हाँ, बगैर ढक्कन का गटर। ओ बेचारे, सारा मजमा दौड़ रहा था गर्दनें ऊपर उठाए हुए। अचानक मेरा पैर एक कुत्ते की दुम पर पड़ा। कुत्ता चीख मार कर उछला और मेरे पीछे आने वाले मौलवी शेर अली को भंबोड़ने लगा। मौलवी शेर अली गिरे तो उनकी टोपी दूर गई। अच्छा। जिसमें खान साहब उलझ गए। खान साहब के हाथ में जो जुशाने की पुड़िया थी वो उछल कर रशीद साहब के मुंह पर लगी। रशीद साहब का चश्मा हवा में उड़ा और लाला बंसी प्रसाद की बड़ी सी नाक से टकराया। लाला जी ने गाली देने के लिए जो मुंह खोला तो उनकी बत्ती सी निकलकर साइकिल पर दौड़ने वाले मोहम्मद गुल की गोद में गिरी। मोहम्मद गुल बौखला कर गिरा तो हाफिज अब्दुल रशीद की टांग साइकिल के पहियों में आ गई। हाफिज जी औंधे मुंह गिरे। उनकी सूरत देखकर नूर मोहम्मद ने हंसने के लिए अपना पेट पकड़ना चाहा, मगर हुजूम ज्यादा था, गलती से उसने गल्ला मंडी वाले लाला जी का पेट पकड़ा। उन्होंने शायद धोती कसकर नहीं बांधी थी, लोग मुंह फेर कर आगे निकले। दूर तक लाला जी की आवाज आती रही, ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। और गेंद कहाँ गई? वो तो हवा में चली जा रही थी। अचानक सफेद दाढ़ी वाले चाचा खैरुद्दीन कहीं से निकले और मेरे आगे आगे दौड़ने लगे। अच्छा। उनकी निगाहें भी गेंद पर जमी हुई थी। अच्छा। सामने रंगरेस कपड़े रंगने के लिए बड़े से कढ़ाव में काला रंग पका रहे थे। अच्छा। चाचा खैरुद्दीन औंधे मुंह रंग में गिरे। एक साल तक उनकी दाढ़ी काली रही। उन्होंने मौके से फायदा उठाकर 3 शादियां और कर ली। और गेंद वो हवा के रुख पर चली जा रही थी। रास्ते में एक बारात जा रही थी, आगे आगे बैंड वाले थे, पीछे पीछे दूल्हा घोड़े पर सवार था। जैसे ही उन्हें पता चला कि गेंद 1,00,000 रुपए की है, बैंड वाले भी गेंद के पीछे दौड़ पड़े। बैंड बजाते वाकई। जी हाँ, और दूल्हा ने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े को गेंद के पीछे डाल दिया। उसका सेहरा बिजली के तारों में उलझ गया। सामने मोहम्मद अली हाई स्कूल की छुट्टी हो रही थी, उसके लड़के निकलकर गेंद के पीछे दौड़ने लगे। हारून टेक्सटाइल मिल के मजदूर छूट रहे थे, वो भी दौड़ पड़े। उस रूट की बसें भी दौड़ में शामिल हो गई और मस्जिद के लिए चंदा जमा करने वाली एक तबलीगी जमात ने भी याहू का नारा लगाया और रेसगाड़ी से भरे लकड़ी के डिब्बे बजाती हुई गेंद के पीछे दौड़ने लगी। बड़ा मजमा दौड़ रहा होगा। अरे साहब, अब तो सौदा बेचने वाले भी साथ दौड़ने लगे। कोई पान लगा लगा कर दौड़ने वालों को दे रहा था, कोई बुढ़िया के काते के गोले दे रहा था। अच्छा। और एक चाट वाला तो दौड़ता जा रहा था और गोल गप्पों में जीरे का पानी भर भर कर लोगों को खिलाता जा रहा था। और गेंद जन्नाटे के साथ उड़ती चली जा रही थी। महल्ले में किसी के घर बच्चा हुआ था जी। बाहर एक टोली दुपट्टे लहराकर तालियां बजाकर जियो जियो रे लल्ला गा रही थी। गेंद की खबर सुनते ही वो टोली भी तालियां बजाती हुई गेंद के पीछे दौड़ी जी। उनकी आवाज आ रही थी, आए हटो मुर्दार, गेंद मैं पकड़ूंगी। कहाँ से आ रही थी आवाज? तो और सिद्धू भाई आप कहाँ थे? सबसे आगे। मेरे पीछे एम्पायर हारून थे। अच्छा। हमारी नजरें गेंद पर जमी थी कि अचानक गेंद की रफ्तार सुस्त होती, वो नीचे होने लगी। लोगों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अच्छा। एम्पायर हारून मुझसे आगे निकल गए। गेंद और नीची हुई और दरिया के पुल पर गिर कर ठहर गई। एम्पायर हारून झपटे, गेंद ने मुड़कर पीछे देखा, फिर चली पहले सीधी
फिर तिरछी, उसके बाद मुड़ी, जरा सी उछली और गड़ाप से दरिया में जा गिरी। फिर क्या हुआ? एम्पायर हारून तन कर खड़े हो गए जी, और झंडे की तरह अपने हाथ लहराए और चिल्लाए सिक्स। सिद्धू भाई की बातें बहुत मजे की होती हैं। आओ अब आगे चलें। हमने ये किया कि हमारे पास शाहीन क्लब के जो पुराने टेप महफूज हैं उनसे हम कुछ छोटे छोटे टुकड़े निकाल कर ले आए हैं, तो ज़रा तुम भी सुनो कि पहले इसमें क्या क्या होता था, कौन कौन लोग इसमें हिस्सा लेते थे और किस तरह की बातें करते थे। तो शाहीन क्लब के पुराने प्रोग्रामों की झलकियाँ सुनो, और अगर पहचान सकते हो तो पहचानो कि इसमें किस किस की आवाज़ें शामिल हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कौन हूँ? एक इंसान हूँ, तुम्हारे जैसा एक इंसान। क्यों, तुम इंसान हो ना? हाँ, शायद मैं इंसान ही हूँ। वक्त जिसे चाहे शहंशाह बना देता है और जिसे चाहे भंगी। तो हमें दूसरे वक्त का इंतजार। क्यों, क्या जरूरत पेश आ गई? हाँ, लेकिन किसी दिन आने की तौफीक नहीं हुई। नहीं मासा, मैंने तो नए साल के दिन आने की कोशिश की थी लेकिन कोई सवारी ही नहीं मिली। और टांगों को क्या हो गया था? क्या वो भी पुराने साल के साथ रुखसत हो गई थी? जी हाँ मासाब, इनके लिए तो नया साल नई टांगे लेकर आता है। क्या मतलब? मेरा मतलब यह है माँ साहब कि सर्दी इतनी थी कि टांगे बिल्कुल रह गई थी। हाँ, तो सर्दी से तुम्ही को नहीं लगती है, मुझे भी लगती है, लेकिन मैं तो बराबर हर जगह यानी कि आता जाता रहता हूँ। डैचू डैचू, अरे मियाँ, अरे मियाँ कुत्ते उठो, सुबह हो गई है। डैचू डैचू, अरे क्या जल्दी है, अभी तो सारा दिन पड़ा है। करना तो मुझे यही चाहिए, क्योंकि तुम दोनों के साथ रही तो मैं भी काहिली में अपनी जान से हाथ धो बैठूंगी। अरे वाह, तो तुमने शाहीन क्लब के पुराने प्रोग्रामों की झलकियां सुनी, उस जमाने की बिल्ली भी, इस जमाने की बिल्ली भी। तकरीबन 19 साल पहले जब ये प्रोग्राम नए सिरे से और शाहीन क्लब के नाम से शुरू हुआ तो इसे पेश करने के लिए सलीमा हाशमी चुनी गईं, जो उस वक्त यहाँ लंदन में छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। सलीमा हाशमी हमारे बहुत बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़ मरहूम की बेटी हैं। कुछ रोज़ पहले वो यहाँ लंदन आई हुई थीं, सख्त ज़ुकाम में मुब्तला थीं, मगर हमारे इसरार पर वो स्टूडियो आईं तो हमने उनसे पूछा कि सलीमा, आप शाहीन क्लब में कैसे शामिल हुईं? जी, ये 67 की बात है गालिबन, और हम आया जाया करते थे उर्दू सर्विस, तो बदरुल इस्लाम सैयद उस जमाने में यहाँ पे प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये बच्चों का प्रोग्राम जो है इतने अरसे से चल रहा है और इसका नाम कोई नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि इस प्रोग्राम को बिल्कुल नए सिरे से, एक नए तर्ज से इसको दोबारा शुरू करेंगे, तो आप दिलचस्पी रखती? हमने कहा कि बिल्कुल, हमें बच्चों से तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, उनके साथ काम भी करते हैं, पढ़ाते भी। तो उन्होंने कहा एक नाम तजवीज़ हुआ है जिसको सब ने पसंद किया है, वो नाम शाहीन क्लब है, हमें भी बहुत पसंद आया। उसके बाद तय ये पाया कि अगर ये क्लब बनना है तो फिर इसके कुछ मेंबर भी होंगे, मेंबर होंगे तो उनके लिए मेंबरशिप कार्ड बनना चाहिए जो यहाँ से भेजा जाए और उन सब सुनने वालों को एहसास हो कि वो वाकई इस क्लब के मेंबर हैं। तो उनने कहा इस कार्ड पे क्या हो, जाहिर है शाहीन की तस्वीर तो होनी चाहिए, और उनने कहा शाहीन की तस्वीर तो कोई बना भी लेता है लेकिन असल शाहीन होना चाहिए और वो आपके बाजू पर बैठा हो। तो दिल में तो हम बहुत डरे और बहुत खौफ खाए, लेकिन हमने कहा हाँ जी क्यों नहीं, हम बिठा लेंगे बाजू पे। तो जनाब यहाँ से कारवां चला बीबीसी स्टूडियो से, एक गाड़ी थी जिसमें एक फ़ोटोग्राफ़र था, हमारे प्रोड्यूसर थे बदर साहब और हम थे, और एक हमने अपने साथ दोस्त रख ली जो हमारी हिम्मत अफजाई करती रही।
तो हिम्मत अफजाई उन्हें रास्ते में यही करती रहीं कि भाई ये बता पूछ लेना, बीबीसी वाले जो हैं अपने फ़नकारों का बीमा करा लेते हैं, और या कि अगर कुछ ऐसी नागवार कोई वाक़या पेश आ गया तो वहाँ पे मरहम पट्टी का इंतज़ाम होगा। तो वो हल्के हल्के इस तरह की खुशगवार गुफ्तगू चलती रही और वहाँ पहुँच गए। वहाँ तो पहुँचे तो एक बहुत बड़ा फार्म था जिसमें बाज़ के अलावा वहाँ पे तरह तरह के जानवर थे। उनके ड्राइंग रूम में गए तो दो तीन चीते इधर उधर से गुजर गए। बाहर उनके बाग में दो भेड़िए मराकबे में बैठे हुए थे। तो खैर, आखिर शाहीन की बारी आई और उन्होंने दो परिंदे निकाले और हमें बहुत प्यार से और दिलासा दिला के कहा कि ये सुबह ये खाना वाना खा चुके हैं और इस वक्त वो बिल्कुल मुतमइन हैं, और लेकिन इतना भी नहीं खाए कि वो सो जाएं आपके बाजू पे बैठे बैठे। तो लिहाजा उन्होंने हमें एक बहुत मोटा चमड़े का एक दस्ताना पहनाया, तो वो हमने पहन लिया। उसके बाद उन्होंने धम से लाके एक बाज जो था हमारे हाथ पे बिठा दिया जिसकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, और उन्होंने कहा कि बस जब फोटोग्राफर तैयार होगा तो हम इसका पर्दा उठा देंगे। और मेरा ये जी चाहा कि मैं उनसे कहूँ कि ये पर्दा जब उठाएं तो मेरी आंखों पे रख दें, तो लेकिन वो ज़रा छोटा था। तो खैर, उन्होंने इशारा किया, पर्दा उठा और एकदम तस्वीर हुई। उसके बाद वापस उन्होंने उसकी आंखों में पर्दा रख दिया। तो फोटोग्राफर से पूछा क्या गया, भाई तस्वीर ठीक थी? उसने कहा बाज़ की तस्वीर तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इनके चेहरे के ऊपर जो तासुरात थे वो तो किसी कार्ड के ऊपर नहीं जा सकते। तो लिहाजा दोबारा से उन्होंने कहा जी ये होगी, और उन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे बाज़ की फ़िक्र नहीं है, अब आप ज़रा अपनी सूरत पे ज़रा थोड़ी सी मुसरत की लहर जो है वो आने तो दीजिए, और इस परिंदे की तरफ यूँ देखिए जैसे ये आप ही का परिंदा है। लिहाजा फिर कोशिश की गई, और अब की दफ़ा हमने बहुत जितनी भी सलाहियतें थीं फ़नकारा वो हमने उसकी तरफ मतवज्जे की, और जब उसका पर्दा उठा तो हमने बहुत दिलेरी से उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा और बहुत ज़ोर से मुस्कुराए, जिसे फ़ोटोग्राफ़र भी मुतमइन हो गए और वो बाज़ वाले साहब भी मुतमइन हो गए, और हमारी दोस्त तनवीर तो तकरीबन बेहोश हो गई और वो कार्ड बन गया। और अब शाहीन क्लब का मुकाबला नंबर 12। तुमने कागज कलम तैयार कर लिया होगा? बस, तो सवाल सुनने के लिए तैयार हो जाओ, और चाहो तो ये सवाल लिख भी लो। मगर पहले ये सुन लो कि हम इनाम क्या देंगे। बिल्कुल सही, और सबसे अच्छा जवाब भेजने वाले को हम एक रेडियो देंगे। जी, और दूसरे नंबर पर आने वाले जवाब के इनाम के तौर पर हम एक एटलस देंगे। अच्छा? हाँ, जी। और उसके बाद वाले जवाब पर हम शाहीन क्लब के कुछ बड़े और रंगीन फोटोग्राफ देंगे। हाँ, अच्छा, तो अब मुकाबला नंबर 12 के सवाल सुनो। ठीक है, सवाल नंबर 1, ये बच्चों का नगमा सुनो और बताओ ये किसकी आवाजें हैं। गाई जा कोयल कुकू कुकू, गाई जा कोयल कुकू कुकू, सूरत तेरी काली काली, सूरत तेरी काली काली, दिल की मगन है तू मत वाली, दिल की मगन है तू मत वाली, तार है तेरी ऐसी प्यारी, तार है तेरी ऐसी प्यारी, सुन के झूमे डाली डाली, सुन के झूमे डाली डाली, गाए जा कोयल कुकू कुकू, गाए जा कोयल कुकू कुकू। ये किन की आवाजें हैं, ये था सवाल नंबर 1। अब सुनो सवाल नंबर 2। शनिचर या हफ्ता 12 अक्टूबर सन 85 को शाहीन क्लब का 1000वां प्रोग्राम हुआ, तो बताओ कि 2000वां प्रोग्राम किस दिन, कौन सी तारीख को और किस साल होगा। फिर सुन लो ये सवाल, शनिचर या हफ्ता 12 अक्टूबर सन 85 को शाहीन क्लब का
एक हजारवां प्रोग्राम हुआ, तो बताओ कि 2000वां प्रोग्राम किस दिन, कौन सी तारीख को और किस साल होगा? और अब सवाल नंबर 3, सिद्धू भाई अगर सिद्धू भाई ना होते तो क्या होते? यह है सवाल नंबर 3, सिद्धू भाई अगर सिद्धू भाई ना होते तो क्या होते? एक जुमले में इसका जवाब दो। बस ये हैं 3 सवाल, आसान से। इनके जवाब लिखकर ज्यादा से ज्यादा 2 नवंबर तक डाक में डाल दो, ये बहुत जरूरी है। 2 नवंबर के बाद डाक में डाले जाने वाले जवाब मुकाबले में शामिल नहीं होंगे। और अब जवाब भेजने के लिए हमारे डाक के पते सुन लो। बांग्लादेश में हमारा पता ये है, पोस्ट बॉक्स नंबर 6079 6079 गुलशन ढाका। हिंदुस्तान में हमारा पता है, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035 3035 नई दिल्ली। पाकिस्तान में हमारा पता है, पोस्ट बॉक्स नंबर 5463 5463 कराची। और अगर तुम अपना जवाब सीधा लंदन के पते पे भेजना चाहो तो हमारा पता है, बीबीसी उर्दू सर्विस, बुश हाउस, लंदन। तो इन पतों पर अपने जवाब 2 नवंबर से पहले पहले डाक में डाल दो। लिफाफे या पोस्ट कार्ड के ऊपर शाहीन क्लब मुकाबला नंबर 12 जरूर लिखना, बहुत जरूरी है, शाहीन क्लब मुकाबला नंबर 12। और हाँ, ये 3 सवाल हम अगले हफ्ते तुम्हें फिर सुनाएंगे। अच्छा भाई, तो ये हुआ आज का प्रोग्राम। आखिर में तुम सबको अपने पसंदीदा प्रोग्राम का 1000वां एडिशन मुबारक हो। और आखिर में शाहीन क्लब के किसी 10-12 साल पुराने प्रोग्राम की कव्वाली की एक झलक सुनो और हम सबको यहीं इजाजत दो। खुदा हाफिज़। लड़ने का सबब, मिलने का सबब, शाहीन क्लब, शाहीन।